नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 50 सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, वो भी एक साथ। आपको बता दें, इन डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन को समर्थन देते हुए इस्तीफा दिया है। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले में न्याय और कुछ उच्च अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि मंगलवार को विभाग अध्यक्षों की बैठक में सामूहिक इस्तीफा दिए जाने का फैसला लिया गया। अस्पताल के सभी 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफे पर साइन किए। सभी ने पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे जूनियर डॉक्टर्स के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। चर्चा ये भी है कि NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर भी इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार से लिप्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेड कल्चर और मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही कमेटी ने बड़ी कार्यवाही की थी। इस कमेटी ने 10 डॉक्टरों समेत 59 स्टाफ को निलंबित किया था। इनमें डॉक्टर, इंटर्न्स, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इन डॉक्टरों पर रैगिंग समेत कई आरोप लगाए गए। इस बड़े एक्शन से पहले जांच कमेटी ने एक बैठक की थी, जिसमें अधिकारी, डॉक्टर्स और इंटर्न की तरफ से प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक के दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स ने बाहर नारेबाजी कर दी थी, जिससे उन्होंने थ्रेट कल्चर के आरोपी 59 लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद 10 डॉक्टरों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। निष्कासित किए गए डॉक्टरों में सौरभ पाल, आशीष पांडे भी गिरफ्तार हुए। आपको बता दें कि इन सभी को निलंबित कर दिया गया है।